राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है राजस्थान की लोक कथाओं पर आधारित कार्यक्रम लालच ले डूबा। बच्चों, नीम का थाना नामक गांव में गुलाबो नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वो बड़ी ईमानदार और भोली थी। सारा जीवन उसने जमींदार के घर बर्तन मांजते काटा था। वहां से जो कुछ उसे मिलता उससे अपना और अपनी बेटी का पेट पालती। उसकी बेटी बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी थी। उसका नाम था रूप कुंवर। एक दिन की बात है बच्चों, रूप कुंवर आंगन में ज्वार बाजरा पीस रही थी कि अचानक देखती क्या है, एक विचित्र पक्षी आकर मुंडेर पर बैठ गया। उसके पैर तांबे के, पंख सोने के और चोंच चांदी के रंग की थी और बोली इतनी मीठी कि क्या कहें। बच्चों, रूप कुंवर तो पक्षी का रूप देखकर अपनी सुदबुद्धि खो बैठी। उसे होश तब आया जब उसने देखा कि पक्षी तो मजे से उसका ज्वार बाजरा खा रहा है। ये देखकर रूप कुंवर बोली, अरे पक्षीराज, ये क्या करते हो? हमारा ज्वार मत खाओ, हम बहुत गरीब हैं। हमारे घर में बस इतना ही अनाज है, इसे भी तुम खा लोगे तो हमारा क्या बनेगा। अरे रूप कुंवर, भूखे को भोजन देना बड़े पुण्य का काम है। क्या तुम बहुत भूखे हो? हाँ, भूखा तो हूँ। अच्छा, तो खा लो। घबराओ मत, मैं तुम्हारे ज्वार की पूरी कीमत चुका दूंगा। कल सुबह तुम गांव के पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। बच्चों, पक्षी की बात सुनकर रूप कुंवर चुप रही, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, ये पक्षी भला कैसे कीमत चुकाएगा। फिर भी भूखे का पेट भर जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है भला। जब पक्षी ज्वार खाकर चला गया तो रूप कुंवर ने बचे हुए ज्वार को पीस कर एक रोटी बनाई और वो रोटी अपनी बूढ़ी माँ के आगे रख दी। माँ ने पूछा, तू क्यों नहीं खा रही बेटी? तो रूप कुंवर ने सरदर्द का बहाना बना दिया और भूखी ही अपने बिछौने पर जा लेटी। बच्चों, भूखे पेट सोना बहुत कठिन काम है। रूप कुंवर को भी नींद नहीं आई। जैसे तैसे सुबह हुई तो अचानक उसे पक्षी की बात याद हो आई। उसने सोचा कि पीपल के पेड़ के नीचे जाकर देखाने में कोई हर्ज तो नहीं है। बस रूप कुंवर नहा धोकर पहुंच गई पीपल के पेड़ के नीचे। आ गए रूप कुंवर, आओ आओ ऊपर आ जाओ। लेकिन मैं पेड़ पर चढ़ना नहीं जानती, ऊपर कैसे आऊं? अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी लगा देता हूँ। पर ये तो बताओ, कौन सी सीढ़ी लगाऊं? सोने की, चांदी की या तांबे की? सोने चांदी की सीढ़ी की क्या आवश्यकता है? तुम तो बांस की सीढ़ी लगा दो, मैं उसी से ऊपर आ जाऊंगी। और बच्चों, पक्षी ने बांस की सीढ़ी नीचे लटका दी। रूप कुंवर उस पर चढ़कर जब ऊपर पहुंची तो क्या देखती है कि वहाँ घोंसला नहीं बल्कि एक सुंदर महल है। आओ रूप कुंवर, आओ आओ इस आसन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ पक्षीराज, मेरे कपड़े मैले हैं, आसन गंदा हो जाएगा। अरे उसकी चिंता न करो रूप कुंवर, बैठ जाओ। तुम पहली बार आई हो, बताओ तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊं? पूरी, कचौरी, खीर पुआ या ज्वार की रोटी? नहीं 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 नहीं, पूरी कचौरी नहीं, मैं ठहरी गरीब माँ की बेटी,
मेरी माँ खाए सूखी रोटी और मैं खाऊं पूरी कचौरी, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो तुम दो रोटी दे दो, एक माँ को दे दूंगी, एक मैं खा लूंगी। तुम सचमुच बहुत भोली हो रूप कुमार, तुम्हारे मन में जरा भी लालच नहीं, तुम सदा सुखी रहोगी। लो इन तीन बक्सों में से कोई एक चुन लो और घर ले जाओ। एक सोने का है, ये एक चांदी का और ये एक तांबे का। पक्षीराज, मेरी दो मुट्ठी अनाज के बदले में बक्सा दे रहे हैं आप? सोने चांदी का बक्सा लेकर क्या करूंगी? मुझे तो तांबे का बक्सा ही दे दो, इसे शनिवार की हाट में बेचकर बदले में अनाज खरीद लूंगी। ठीक है, जो चाहो करना। ये लो तांबे का बक्सा। लाओ। और बच्चों, रूप कुंवर तांबे का बक्सा लेकर वापस घर आ गई। लौट के उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। रूप कुंवर ने माँ को तांबे का बक्सा भी दिखाया। माँ बेटी ने मिलकर जब तांबे का बक्सा खोला तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जानते हो बच्चों, बक्से के अंदर क्या भरा था? बक्से के अंदर भरे थे हीरे जवाहरात। अपने भाग्य को इस तरह बदलता देख माँ बेटी ने पक्षीराज को मन ही मन धन्यवाद दिया और हीरे जवाहरात बेचकर एक सुंदर मकान बनाया और उसमें सुख से रहने लगे। लेकिन बच्चों, रूप कुंवर की एक सहेली थी और नाम था उसका माने कुंवर। गरीब तो वो भी थी पर बड़ी लालची, बड़ी चिड़चिड़ी। उसकी जबान हाय 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 बिल्कुल तलवार की तरह तेज थी। उसने जब रूप कुंवर की बदली हालत देखी तो एक दिन पूछ ही लिया, ये सब कैसे हुआ? रूप कुंवर ठहरी भोली, उसने सारी कथा उसको सुना दी। अब तो बच्चों, माने कुंवर को भी लालच आ गया। उसने अगले दिन से ही ज्वार फटकनी शुरू कर दी। एक दिन गया, दो दिन गए, तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन पक्षी नहीं आया। चौथे दिन अचानक पक्षी आकर मुंडेर पर बैठ गया। अब तो भैया, माने कुंवर मन ही मन बहुत खुश हुई। पक्षी मुंडेर से उतरकर ज्वार खाने लगा। तो जानते हो बच्चों, माने कुंवर क्या बोली? वो बोली, अरे ओ पंछी, ये ज्वार के मुफ्त का माल है जो खाए चले जा रहे हो। इसकी कीमत देनी पड़ेगी, समझे? हाँ, कीमत भी दे दूंगा। कल सुबह गांव के पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। बच्चों, माने कुंवर तो बहुत ही खुश हो गई। उसने सोचा, अब तो हम माला माल हो जाएंगे। उसने घर के भीतर जाकर माँ को सारी बात बता दी। तो माँ ने कहा, देख तू रूप कुंवर की तरह बेवकूफी मत करना, समझी? जरा समझ से काम लेना। हाँ, हर चीज सोने की उठाना। अरे ऐसा मौका बार बार थोड़ी ही आता है। ठीक है माँ, मैं तेरी बात याद रखूंगी। और बच्चों, अगले दिन जब सुबह हुई तो माने कुंवर सीधी पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंची और जोर जोर से बोलने लगी, अरे ओ पंछी, अभी तक सो रहे हो? मेरे अनाज की कीमत नहीं देनी क्या? अरे देनी क्यों नहीं है माने कुंवर? तो सीढ़ी लटकाओ, और हाँ, चांदी तांबे की सीढ़ी मत लटकाना, मैं तो सोने की सीढ़ी पर चढ़कर आऊंगी। हेलो, सोने की सीढ़ी लटका देता हूँ। ये लो, आओ आओ ऊपर आ जाओ। लो, आ गई ऊपर। शाबाश। अरे वाह, क्या शानदार महल है। नीचे से तो खोखला जैसा लगता है। तुम बड़े चालाक हो पंछी। अच्छा, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाना वाना हो तो खिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
घर आए अतिथि का सत्कार तो होना ही चाहिए। लेकिन मुझे सोने की थाली में ही खाना देना, चांदी तांबे के बर्तन में मैं नहीं खाऊंगी। हाँ। और बच्चों, माँ ने कुंवर को सोने की थाली में भोजन परोसा गया। उसने गपा गप भोजन किया और सदा सच खीर साफ की। जब उसका पेट भर गया तो वो बोली, क्या बढ़िया भोजन था। पंछी, अब मेरे द्वार की कीमत चुका दो तो मैं अपने घर जाऊं। अरे कीमत तो चुका दी मैंने, मुट्ठी भर ज्वार के बदले तुम्हें भरपेट भोजन कराया मैंने। अरे वाह, भोजन तो तुम कराते ही, मैं मेहमान जो हूँ। माने कुंवर, इतना लालच भी ठीक नहीं, फिर भी जाओ, जिस थाली में भोजन किया है उसे साथ लेती जाओ। ना पंछी ना, एक थाली देकर टाल रहे हो, मुझे तो बक्सा चाहिए, रूप कुंवर जैसा। अच्छा, तो तुम रूप कुंवर को जानती हो? लो, वो तो मेरी बचपन की सहेली है। अरे, तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? हेलो, मैं तुम्हें सबसे बड़ा बक्सा देता हूँ, पर माने कुंवर, ये तुमसे उठेगा नहीं। जरा बैलगाड़ी ले आओ। अच्छा। बच्चों, माने कुंवर बड़ी खुश हुई, सीढ़ी से उतरी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, पंछी देवे माया भारी, लादा हारू दे दो गाड़ी, पंछी देवे माया भारी, लादा हारू दे दो गाड़ी, पंछी देवे माया भारी, लादा हारू दे दो गाड़ी। पंछी देवे माया भारी, लाद्या हारू दे दो गाड़ी। माने कुंवर की बात का मतलब ये हुआ बच्चों कि पंछी मुझे बड़ी संपदा दे रहा है, उसे लादने के लिए एक गाड़ी तो दे दो। माने कुंवर की बात सुनकर सारे गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए। एक गाड़ी वाले ने तो अपनी बैलगाड़ी भी दे दी। बड़ी मुश्किल से सब ने मिलकर वो भारी बक्सा बच्चों नीचे उतारा और फिर नीचे उतार कर गाड़ी में लाद कर उसे गांव के चौक में ले गए। माने कुंवर और उसकी माँ ने मिलकर बक्सा खोला। आए, मगर ये क्या, इसमें तो हीरे जवाहरात की जगह कंकड़ पत्थर और जहरीले बिच्छू भरे थे। गांव वालों ने पंछी को खूब खरी खोटी सुनाई और माने कुंवर और उसकी माँ वो तो सिर ही पीटने लगे। कहने लगे, आय हाय, तू तो सोना चांदी लेने गई थी ना, हाय ये क्या कंकड़ पत्थर, ये कहाँ से ले आई है। तभी बच्चों पक्षी की आवाज आई। रूप कुंवर ने बिना किसी लालच के मुझे जवार खिलाए, इसलिए मैंने उसे उचित भेंट दी। लेकिन माने कुंवर ने लालच के वश में होकर मुझे जवार खिलाए, इसलिए उसे ये दंड मिला। इसीलिए कहते हैं बच्चों, लालच बुरी बला। अभी आप सुन रहे थे राजस्थान की एक लोक कथा, लालच ले डूबा। आलेख रमा पांडे, कलाकार रमा पांडे, नीरज शर्मा, जयश्री अरोड़ा, सुषमा कौशिक और फरहा वकील, विषय संयोजन ममता गुप्ता, ध्वनियांकन राजेंद्र प्रसाद, निर्माण सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर LG सुमित्रा।